सपाक्स का क्रांति दिवस 30 सितंबर को भोपाल में मनाया जाएगा। इस आयोजन को प्रदेश के पेंशनरों को समर्पित करते हुए सपाक्स द्वारा इनकी समस्याओं और मांगों को रखा जाएगा। शुक्रवार को सपाक्स के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी शहर पहुंचे। यहां उन्होंने पेंशनरों को सपाक्स क्रांति के इस महत्व आयोजन में शामिल होने की अपील की। त्रिवेदी ने बताया, प्रदेश सरकार पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, कई सुविधाएं बंद कर दी। अभी हाल ही में जो डीए दिया गया वह भी जनवरी के मुकाबले जुलाई से दिया जा रहा है। त्रिवेदी ने बताया, आगामी चुनावों में भी सपाक्स उम्मीदवार खड़े करने की चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार दोनों हाथों से लुटा रही है, वहीं विपक्ष भी जनता को लुभाने के लिए फ्री योजनाओं का लालीपॉप दे रहा है, इससे जनता तीसरा विकल्प तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। भोपाल में 30 सितंबर को सपाक्स क्रांति दिवस मनाते हैं। इस बार का सपाक्स क्रांति दिवस पेंशनरों के नाम समर्थित है और हम पेंशनरों की समस्याओं को समझने और उसको उठाने के लिए आए हैं। आप देखिए कि जो मध्य प्रदेश में करीब 4.5 लाख पेंशनर हैं, उनमें से लगभग 50,000 पेंशनर ऐसे हैं जिनकी समस्याओं का निदान आज भी जिलों और उनके विभागों की फाइल में लंबित है, उनका निराकरण नहीं हो रहा है। पेंशनरों को 27 महीने का डीए का एरियर बकाया है। पेंशनरों को अभी 5% दिया, वो भी जो है 1 जनवरी से नहीं दिया, जुलाई से दिया है। 4% डीए अभी भी बाकी है। इसके अलावा जो हेल्थ के लिए बजट आता था वो भी बंद हो गया है, उनसे इनकम टैक्स ले रहे हैं। पेंशनरों की जो सुविधाएं थी, रेलवे में कंसेशन था सीनियर सिटीजन का, वो भी बंद कर दिया है। तो ये सब बातें ऐसी है कि जिनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने रखना जरूरी है। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव भी है, कहीं ये प्रदर्शन चुनावी ताकत तो नहीं दिखाने के लिए कर रहे हैं सपा? देखिए, आप देख रहे हैं कि सरकार पैसा केवल लुटा रही है, पेंशनरों की डीए और ये नहीं दे रही है, लेकिन आप देखिए कि इतना पैसा लुटा रही है कि जैसे लाडली बहना योजना है, 1,000 रुपये देना शुरू किया, वो कांग्रेस ने कहा हम 1.5 देंगे, तो इन्होंने कहा कि हम 3 देंगे, कांग्रेस ने कहा हम 3 देंगे। यदि आप बजट कैलकुलेशन करें तो सरकार चलाने में 62% बजट जाता है और इनको 3,000 रुपया दिया तो 35% बजट जाएगा, 3% कंटिजेंसी में जाएगा, तो 100% बजट हो गया, तो बाकी काम क्या करेगी सरकार? ऐसे भाजपा और कांग्रेस केवल जो है वोट लेने के लिए, रिश्वत देने का काम कर रही है मतदाताओं को, और ये यदि सक्सेस हुए तो इस प्रदेश का पूरा बंटाधार होना निश्चित है। इसलिए हम राजनीतिक रूप से भी तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं और सपाक्स इसीलिए तीसरे विकल्प के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव में भी मैदान में रहेगी। क्या नाम लिखते सर? डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।